दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम पोस्टर मेकिंग पर क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पोस्टर मेकिंग में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, बॉक्स बनाना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं और मैं आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। इसमें मैंने आपको टॉपिक दिया है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई आपको एक टॉपिक है कि मेक अ पोस्टर ऑन दिवाली मेला। आपके स्कूल में दिवाली मेला लगने वाला है, तो आपको पोस्टर बनाना है, तो उसके लिए आपको कैसा पोस्टर बनेगा। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। पूरा क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएगा। देखिए, तो दिवाली मेला लगेगा स्कूल में, उसके लिए पोस्टर बनाना है। तो ये जो पोस्टर लगेगा, ऑब्वियसली स्कूल में ही लगेगा ये। तो ये कैसा बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पोस्टर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोस्टर को बॉक्स में पुट करते हैं। एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर मैंने पहले कहा है कि आप बहुत सारी पेन यूज़ कर सकते हैं। मतलब मोस्टली आप रेड पेन को अवॉइड करें, रेड पेन को छोड़कर आप ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल, ग्रीन पेन सभी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को हम थिक, थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, और मोटे बॉक्स में थोड़ा सा अट्रैक्ट लगता है। उसके बाद आप चूंकि जो पोस्टर बना रहे हैं वो पोस्टर आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं, तो स्कूल में सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप ब्रिंग्स यू, मतलब ये स्कूल क्या ला रही है आपके लिए, दिवाली मेला। तो सबके लिए दिवाली मेला है, दिवाली पर मेला लगेगा, ये हेडिंग आपने इसको हाईलाइट कर दिया। अच्छा, चूंकि हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें डेट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि इवेंट है, तो हमने यहाँ पर डेट दे दी, ऑन वेंसडे 18 अक्टूबर 2017। ये बुक थोड़ी सी पुरानी, जिसे मैंने यहाँ पर डेट 17 की लिखी है। तो कब, तो तारीख हमने लिख दिया यहाँ पर कि भाई बुधवार के रोज 18 अक्टूबर को 17 ईयर्स में, है ना। उसके बाद टाइम भी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर, 9 AM से 6 PM, और कहाँ पर होगा ये प्लेस हमने बता दिया, स्कूल ग्राउंड। उसके बाद क्या क्या रहेगा उस मेले में हमने इस पोस्टर में बताया है, ताकि लोग पोस्टर को पढ़ने के बाद कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पर फैबुलस राइड्स, फैबुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, राइड्स मतलब ड्राइविंग से रहेगी, कुछ एक्टिविटीज़ रहेगी, है ना। वंडरफुल गेम्स, बहुत ही चमत्कारिक, वंडरफुल का मतलब चमत्कारिक होता है, पर हम यहाँ पर रखेंगे बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार गेम्स रहेंगे, खेल रहेंगे। डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन रहेगा उनके लिए, डांस एंड म्यूजिक रहेगा। लक्की ड्रॉ रहेगा, कुछ गेम्स भी होंगे उसके थ्रू, लक्की ड्रॉ भी खुलेंगे, इनाम मिलेंगे आपको। स्टॉल ऑफ दियास, दिया के स्टॉल रहेंगे, आप दिया खरीद सकते हैं, दिया देख भी सकते हैं, कैंडल्स एट्सेट्रा। हमने आप ये भी दिया है कि भाई जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके लिए 20 रुपये, 20 रुपीज़ चार्ज रहेगा, और कम वन कम ऑल, या जैसे कि मैंने कहा था पहले कि आपको यहाँ पे कुछ स्लोगन्स डालने हैं, तो एक भी आए और सभी आए, इसका मतलब ये होता है कि एक के साथ साथ सभी लोग आ सकते हैं, सबको टिकट्स लगेगा। मैंने ये भी कहा था कि लास्ट में आपको ये बताना है कि भाई कौन सा व्यक्ति इशू कर रहा है पोस्टर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के नाम से इशू हुआ है, विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम AB शर्मा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये पूरा पोस्टर था। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, वो बातें कौन कौन सी है, पहले से बॉक्स में लिखा, स्कूल का है तो स्कूल का नाम लिखा, हेडिंग हमने लिखी, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शॉर्ट में हमने, शॉर्ट सेंटेंसेस में जानकारी दी। उसके बाद मैंने कहा था सिंबल्स यूज़ करना है, तो हमने दिए बनाए, क्योंकि दिवाली संबंधित है तो दिए बना दिए, देखो यहाँ दिए बने हुए हैं, और कुछ इस तरीके से हमने इसके फिगर्स भी बना दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि पोस्टर कैसे बनेगा। तो इतना शानदार पोस्टर अगर आप बनाते एग्जाम में, तो आपको बहुत सारे यू नो फायदे मिलेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो है एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। थैंक यू सो मच, मैंने ये आपके लिए बनाया क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए। आप प्लीज़, आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ मिलते रहे। मैं इसमें आपके नोटिस, यू नो ऐसे, स्टोरी राइटिंग, जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है पूरे टॉपिक कवर करूँगा। थैंक यू।